लड़के भी ना शादी के बाद भूल ही जाते कि इनकी जिंदगी में कोई और भी है, उन्हें भी जगह चाहिए। ना अलमारी में जगह देते हैं ना बेड पर, जैसे जैसे कहीं के राजा महाराजा हूं। हंसी आ रही है तुम्हें? तुम्हें पता है आज मेरी डेढ़ हड्डी मरते मरते बची है। जब भी मैं नींद में होता हूँ तुम मेरे चेहरे पे आके छा क्यों जाती हो? ओ हेलो, मैं नहीं, तुम आए थे मेरे पास, मतलब तुमने मुझे खींचा अपनी तरफ। एक तो पूरा बिस्तर घेर के सोते हो, उसके बाद मुझे ऐसे खींचते हो जैसे मैं कोई इंसान नहीं, चादर हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें चादर समझा और तुम खींची चली आई। अगर जगह ही चाहिए थी तो मुझे जगाना चाहिए था ना, मेरे पास आने का बहाना ढूंढ रही हो ना? हाँ, मेरे पास आना अच्छा लगता है ना, है ना? अगर आज इस बात का जवाब नहीं दिया ना तो मैं नीचे जाके सो जाऊंगा, फिर अकेले पूरे बेड को घेर के सो जाना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर मैं यहाँ सोऊंगा तो मेरे हाथ कहाँ, पैर कहाँ, मैं कहाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं तुम फिर मेरे ऊपर, मेरा मतलब मैं तुम्हारे करीब आऊं या तुम मेरे करीब आओ, बात तो एक ही है ना। एक मिनट, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाओ यहाँ सो जाओ। चलो, अब तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो मैं सो जाता हूं। ओके। मैं चाहूं भी तो तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, पास आना सजा है। गुरुदेव, ये है उन कातिलों की महान मां गुरु मां, अपने काले जादू से दूसरों को अपने वश में करती है, लेकिन आज मैंने अपनी नाग शक्तियों से इसे अपने वश में कर लिया है, इस पे वशीकरण किया है। अब ये वही करेगी जो हम चाहेंगे। अच्छा किया शेषा जो तुमने इसे अपने वश में कर लिया। भगवान इंसान को शक्तियां देता है, मगर इंसान जब उन शक्तियों का गलत उपयोग करता है तो ये हाल हो जाता है। आज अगर तुमने अंकुश राहेजा का साथ नहीं दिया होता तो भगवान तुम्हारी मदद करते। अरे इंसान तो इंसान, तुम भगवान के खिलाफ चली गई। देखो तुम्हारी सारी शक्तियां चली गई। भगवान की धरोहर को तू शैतान को सौंपना चाहती है। मत भूल कि नागमणि भगवान शिव की धरोहर है। तू अगर बुरी शक्तियों से भगवान को ललकारेगी तो दोनों जहां में हारेगी। जहां बुरी शक्ति है वहां अच्छी शक्ति भी है, जहां शैतान है वहां भगवान भी है। गुरुदेव, ये गुरुमा उस अंकुश रहेजा के साथ है तो इसे जरूर पता होगा कि वो पांचवा कातिल कौन है। हाँ, पर इस वक्त इस पर वशीकरण है। कैसे बताएगी, सच कैसे अपनी जबान पर लाएगी? गुरुदेव आप ही कोई उपाय बताइए। भगवान शिव की शक्ति ही रास्ता दिखाएगी। मैं इस पर वो योग प्रयोग करूंगा कि इसे पांचवें कातिल का नाम बताना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तू घंटाल माँ। तू माँ है तो मैं माया। देख ली ना मेरी विशाल काया, तेरा गला दबोच लूंगी मैं। तुझे अपने नाक पाश से जकड़ लूंगी मैं। पता बता पांचवा कातिल कौन है? सोच रही हूं तेरे शरीर में ज्यादा बल है या फिर छल। आने वाला कल देखना चाहती है ना तू? तो अभी इसी पल बता कौन है वो, कौन है वो पांचवा कातिल, बोल। वो बात खतरनाक, बात बहुत खतरनाक है। डरा रही है? हाँ डरा मत, बोल बोल वो पांचवा कातिल कौन है, नाम बता, नहीं तो तेरी एक कुबड़ निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगी। नाम बता, बोल। ऋतिक, ऋतिक के रिश्ते, रिश्ते, रिश्तेदार। बुढ़िया जितना उछलती है ना उतना बल नहीं है इसके शरीर में। दूसरों के होश उड़ाने वाली आज खुद होश खो बैठी। आज नहीं तो कल इसे बताना ही होगा कि वो पांचवा कातिल कौन है। इसने नाम नहीं बताया तो क्या हुआ? नाम का एक बहुत बड़ा इशारा दिया है, बिना बताए ही किसी का नाम ले लिया। इसने कहा ऋतिक का रिश्ता, इसका मतलब साफ है कि जब वो पांचवा इंसान है उसका कोई ना कोई रिश्ता इस ऋतिक से जरूर है। जी गुरुदेव, हो ना, वो कातिल हमारे आसपास ही है लेकिन हम उसे नहीं जानते। हमें उसे जानना होगा, पहचानना होगा कि कौन है वो। लगाई ले जब लिपस्टिक, हिला ला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू, कमरिया 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 कर लपलप, लाली पाप लागे लू, लाली पाप ला ले लू। क्या बात है मेरे माली, आज तो बड़े मूड में है यार तू। अच्छा सुनना, वो वाला फूल मेरे को भी देना, वो इट्स फॉर समवन स्पेशल यू नो। देना और हाथ साफ कर लेना, ये मिट्टी वाला हाथ नहीं चाहिए मुझे। क्या बात है, पापा आप माली, मतलब माली में आप। पापा हम लोग अमीर नहीं रहे क्या? सर कुछ नहीं है पगले, आपका फूल बुढ़े माली। पापा, पापा। पापा। हट बुढ़ा माली। अरे यार सुना, ये सुबह सुबह मुझे बिना पिए चढ़ गई है, मतलब मुझे माली में मेरा बाप नजर आ रहा है या मेरे बापू में माली। यहाँ बस पीती रखी माँ। अच्छा सुनो ना, एक बात पूछनी थी मुझे ना, आज सुबह से मेरे दो दो बाप नजर आ रहे हैं, एक तो माली दी और दूसरा का रुको डैड, क्या मतलब आज कोई सरप्राइज देना है आपको या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, ऐसा क्यों? कंपटीशन खत्म हो गया रे पगले, पता है मेरी माँ ने मुझे इन्हीं ड्रेस में पसंद किया था और इसी ड्रेस में शादी के लिए प्रपोज किया था। ये बुड्ढा अपनी असली औकात दिखा के मेरी असलियत शिवन्या के सामने ना लाए। ओह सो स्वीट, रियली मम्मा पापा
हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम्हारे पापा बहुत मेहनती है। अब देखो अपनी मेहनत की वजह से कहाँ तक पहुंच गए। पहुंच गए ना, अब ज्यादा पहुंचने की, अब मेरा मतलब है अब छोड़ो ना पुरानी बातों को। कैसे छोड़ दूं यामिनी जी, कैसे छोड़ दूं? आपने ही कहा था ना कि आदमी को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। आदमी को अपना अतीत हमेशा अपने साथ में लेके चलना चाहिए। कहा था ना काना। अब आपको भी चलना पड़ेगा। याद है ना अंकित जी, आपकी एक जरूरी मीटिंग है, भूल गए? हाँ, उसके लिए तो फिर मुझे तैयार होना पड़ेगा। अच्छा किया जो आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं माली के अलावा भी और कुछ हूँ, है ना? है ना? क्या बात है माली काका, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये अंकुश रहेजा को हो क्या गया है? इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? ये तुम हमेशा आधे आधे कपड़ों में क्यों बाहर आ जाते हो? तुम हमेशा पूरी की पूरी मेरे सामने खड़ी क्यों रह जाती हो? मुझे आधा अधूरा देखने के लिए? ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ पूछना है। क्या? कैसे आई? बहुत बुरी। क्यों? बुरे बुरे सपने देखे क्या? बुरे सपने तो तुम देख रहे थे। पता नहीं कुछ कह रहे थे, मार भगाया। ऐसा क्या देख रहे थे? शिवन्या, मैंने अपने आप को फिर उसी शाही लिबास में देखा, एक राजा की तरह, किसी से युद्ध कर रहा था, पर पता नहीं किससे, बहुत अजीब था। मैं चेंज करके आता हूँ। अब तुम्हें कैसे बताऊं ऋतिक, तुम जिसे सपने में देखते हो शाही लिबास में, वो तुम नहीं, तुम्हारे पिता है। पता नहीं कहाँ होंगे वो इस वक्त। सिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, रामा कैसे बनी, सिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सिलौरी बिना चटनी। चटनी कैसे बनती है बताओ तुझे? ये क्या मजाक है? मौली के कपड़ों में बच्चों के सामने आने की क्या जरूरत थी? और तूने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैं बताता हूँ आपको, क्या है कि आपने मुझसे बोला था ना कि अपनी औकात में रहना और चारों तरफ माली की तस्वीर लगा दो, तो मैंने सोचा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, खुद ही माली बन जाता हूँ, तो आपकी बात भी याद रहेगी और अपनी औकात भी याद रहेगी। तो चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ये ड्रामा? अब आई है ना आप पॉइंट पे, मैं बताता हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। याद है ना राजकुमारी जी, वो पांचवा इंसान मैंने ही आपको बनाया है, हम चारों ने ही आपको हाथ दिया है, क्योंकि आपको नागमणि चाहिए थी ना। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर पाती, आपके आगे भी मैं हूं, आपके पीछे भी मैं हूं, तो जरा ये बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, सिंपल फंडा। और हाँ, अब ये माली आपको बताएगा कि एक हाथ से ताली तो नहीं बच सकती, लेकिन एक हाथ से चुटकी जरूर बच सकती है राजकुमारी साहिबा। सिलौरी बिना चटनी कैसे बनी? अपनी औकात से बहुत बड़ी बात बोलकर जा रहा है ये माली। अगर ऐसा रहा तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब तेरा भी कुछ करना ही पड़ेगा रे माली, करना ही पड़ेगा। आ रहा है वो वक्त जब मेरी बहन और वो माली अंकुश रहेजा यहां तक आएंगे। वो दोनों लालची नागमणि के लिए कुछ भी कर जाएंगे, मुझे उन्हें रोकना होगा। आ,
युवराज, युवराज, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं तेरा पिता, तेरा पिता, तेरा बेटा, मैं मेरा युवराज, मेरा मीठा, बसों से तुझे देखने के लिए आके तरस गए। मेरा युवराज। कौन युवराज? मैं कोई युवराज नहीं हूं, मैं ऋतिक हूं। नहीं बेटा, तू मेरा बेटा युवराज है। तेरे जन्म पे यही नाम दिया था मैंने, लेकिन उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझसे तुझे छीन लिया, तुझसे तेरा नाम छीन लिया। वो लोग दुश्मन है, बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं बेटा, तुझे भी मार सकते हैं बेटा, तेरी जान खतरे में है। तू मेरा बेटा है युवराज, तू मेरा मेरा चेहरा देख, मैं तेरा पिता हूं, पिता हूं मेरे बेटे। जिनके साथ तू रहता है वो लोग बहुत खतरनाक है बेटा, और सबसे ज्यादा खतरनाक है तेरी माँ यामिनी। कातिल है वो, कातिल है वो, कातिल। उसने चार लोगों के साथ मिलके अन्याय किया है, पाप किया है, गुनाह किया है। कातिलों के सरदार तो वो है, सरदार तो वो है। उसने मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी इज्जत, मेरी दौलत सब कुछ छीन लिया मुझसे, मुझे छीन लिया मुझसे। वो पहने आस्तीन का सांप है, सांप। मैं नहीं मानता, वो मेरी माँ है, जान से भी ज्यादा प्यार करती है मुझसे। तुझसे नहीं, तुझसे नहीं, नागमणि से। वो नागमणि के लिए कुछ भी कर सकती है, उसने तुझे पाला पोसा बड़ा किया सिर्फ उस नागमणि के वजह से। पर मैं वो नागमणि ले आया हूं। कहाँ है नागमणि? यही इसी हवेली में कहीं छुपा रखा है, ताकि किसी की नजर भी उस पे ना पड़ सके। तो चलो मुझे नागमणि के पास लेके चलो। नहीं बेटा, मैं तुझे वहां नहीं ले जा सकता, तेरी जान को खतरा है। अगर उन लोगों को पता लग गया कि तू जानता है कि नागमणि का है, तो वो तुझे मार के वो नागमणि ले जाएंगे। नागमणि हमारी नहीं, किसी और की धरोहर है बेटा। पहले आप मुझे बताइए कि नागमणि है कहाँ, वरना मैं आपकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। जब तक तुम नागमणि के बारे में कुछ बता नहीं देते, मैं नहीं मानूंगा कि तुम सच बोल रहे हो। बताओ नागमणि कहाँ, लेके चलो मुझे वहां, जल्दी करो। नहीं, तू नहीं मानता ना मेरी बात, तो जा खुद पता लगा कि वो लोग कैसे हैं, सच खुद सामने आ जाएगा। जब तक तू उन लोगों को सबक नहीं सिखाएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि नागमणि कहाँ है, नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं जाके सच का पता लगाता, लेकिन जब तक मैं लौट के नहीं आता तुम यही रहोगे। वैसे भी अगर तुम बाहर जाओगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यही रुकोगे। युवराज, हे भोलेनाथ, मेरा युवराज बहुत भोला है,
उसकी रक्षा करना, उसे सही रास्ता दिखाना। जय बोले। मुझे यहां से जाना होगा, नहीं तो वो समझ जाएगा कि ऋतिक के रूप में नागिन आई थी। लेकिन उन्होंने जो यामिनी के बारे में बोला, क्या वो सच है? क्या यामिनी पांचवी इंसान है, वो पांचवी कातिल? और उन्होंने मुझे नागमणि के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? ये सारी बातें मुझे शिवन्या को बतानी होगी। यामिनी जी, ये तुमने किसका नाम ले लिया शीर्षक? ये तुमने किस पर इल्जाम डाल दिया? ये नाम, ये इल्जाम मैंने नहीं लिया शिवन्या, खुद यामिनी के भाई और ऋतिक के पिता ने लिया है। अगर एक भाई अपनी बहन का नाम ले रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी। नहीं यामिनी जी, वो कैसे? मैंने देखा है उन्हें, वो बहुत अच्छी है, घर में सबका बहुत ख्याल रखती है, सबको बहुत प्यार करती है, खुद से पहले मेरे और ऋतिक का ख्याल रखती है वो, और ऋतिक ऋतिक पर तो जान छिड़कती है। शेषा, तुम तो जानती हो ना, ऋतिक की जिंदगी बचाने के लिए उसने मुझ जैसी अजनबी के साथ ऋतिक की शादी करा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी कुंडली ऋतिक की जिंदगी थी। वो अलग बात है कि मैंने अपनी कुंडली गलत बताई थी, पर वो माँ गलत नहीं है शेषा, मैं ये मान ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं मानती शिवन्या, लेकिन ऋतिक के असली बाप ने उसकी नकली माँ का नाम लिया है। अगर एक भाई अपनी बहन का नाम ले रहा है तो कोई तो वजह होगी। कोई बेवजह अपनों को बदनाम नहीं करता शिवन्या। गुरु माँ ने भी तो यही कहा, ऋतिक का रिश्ता ऋतिक के रिश्ते में कोई है, इसका मतलब ऋतिक का रिश्तेदार। ऋतिक के पिता ने यामिनी का नाम लिया था, यामिनी ऋतिक की बुआ लगती है। शिवन्या, ऋतिक के पिता की बात सच भी तो हो सकती है। अगर ऋतिक के पिता की बात सच होती तो वो नागमणि लेकर भागते क्यों? शेषा, तुम तो गई थी ना उनसे मिलने, रूप बदलकर उनके बेटे के रूप में, ऋतिक के रूप में, तो उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि नागमणि कहाँ है? जो लोग गुनेगार होते हैं वही अपना मुंह नहीं खोलते, वही सच नहीं बोलते, और जो सच नहीं बोलते वही दूसरों का नाम लेकर उन पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। नहीं, बहन नहीं भाई गुनेगार है, अगर नहीं होते तो नागमणि लेकर भागते नहीं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो ऋतिक का बाप झूठ बोल रहा है, या फिर यामिनी एक बहुत ही बड़ा खेल खेल रही है। दो लोग हमारे सामने हैं और दोनों में से एक कातिल है, उसे सामने लाना होगा, उस पांचवें कातिल के चेहरे पे से पर्दा हटाना होगा। एक रास्ता है मेरे पास, आज ही उस कातिल के चेहरे पर से पर्दा उठ जाएगा, आज ही रात सामने आ जाएगा। प्यारी बहना, राखी बांधने वाले हाथ भाई को बेड़ियों से बांधे, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। नागमणि के लिए तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, तुझे और तेरे चार साथियों को, तुम पांचों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा तो नागिन आई है संग्राम सिंह बनकर, अभी बहुत मजा आएगा नागिन। भाई
भैया अब जिंदा है और मैं सोच रही थी कि आपकी, मुझे यही लगा था कि वो दुष्ट टैंकी ने आपको आपको जान से मार दिया। आप नहीं जानते भैया आपकी मौत की खबर सुनकर क्या बीती है इस बहन पे। आप नहीं जानते उस एंकी ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। आप नहीं जानते भैया अकेले में वो मुझे कितनी धमकियां देता है और आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अपनी बहन को आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके बेटे को मलकू में रखा है, कोई आंच भी नहीं आने दूंगी उसे। जानते हैं हमारा युवराज ना बहुत बड़ा हो गया है, बिल्कुल वो आपकी तरह ही दिखता है। उसकी शादी भी हो गई है और किस्मत से बहुत अच्छी बहू आई है इस घर में। झूठ बोल रही है तू यामिनी, तूने मेरे बेटे को अपने पास रखा है, उसे जिंदा रखा है सिर्फ उस नागमणि के लिए। तू और तेरे वो चार साथी, तुम पांचों ने जो कुछ भी किया नागमणि के लिए किया है। हाँ, नागमणि जड़ है सारे फसाद की, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार ही नागमणि है। पर आप और एंकी जी ये बात कभी नहीं समझ पा रहे। एंकी जी तो लालची हैं ही, पर आप लालची क्यों हो गए? उस नागमणि को हासिल करने के लिए आप दोनों ने उस इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को मार दिया। नहीं, नहीं चाहिए वो नागमणि भैया, नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरा ये परिवार शांति से रहे, सुखी रहे। इसलिए मैंने आपके बेटे और बहू को कुछ नहीं बताया आपकी सच्चाई के बारे में। नहीं बताया कि आप कितने चालाक हैं, कितने शातिर हैं, कितने लालची हैं। बस भैया बस, नहीं चाहिए वो नागमणि। लौट आइए, हम सब ना शांति से रहेंगे। भैया वो नागिन है ना, वो नागिन हमारे परिवार के पीछे पड़ी है, एक एक करके सबको मार रही है वो। आपकी जान भी खतरे में है। हाँ भैया, आपकी जान खतरे में है। ये अंगूठी आप पहन लीजिए, ये अंगूठी आपको उस नागिन से बचाएगी। अगर उसे यह पता चल गया कि उस नागमणि को लेकर आप कितने लालची हैं, तो वो आपको भी डस लेगी भैया। ये पहन लीजिए, ये लीजिए। मम्मा कहाँ हो? हाँ
मेरी बहू यहाँ आई थी, नागिन यहाँ आई थी। वाह वाह, क्या मिलन था सास बहू का। हाय हाय हाय, मैं तो मर जावा। वो नागिन मेरे भाई के भेष में यहाँ आई थी। मतलब मेरा भाई कहीं वो जिंदा तो नहीं? हाँ नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे मैंने खुद अपने हाथों से उसे राम नाम सत्य है। नहीं नहीं, वो मरा नहीं, जिंदा है संग्राम सिंह। और ये बात वो नागिन अच्छी तरह से जानती है। तभी तो उसके भेष में वो यहाँ आई थी, वरना वो नागिन तो क्या, पूरी दुनिया नहीं जानती कि वो संग्राम सिंह कैसे दिखता है। यहाँ तो कोई अलग ही सास बहू का ड्रामा चल रहा है। मेरी बहू वो नागिन संग्राम सिंह के भेष में मेरे सामने आई है। कमाल करती है वो नागिन। पर वो नागिन ये नहीं जानती कि जिसके साथ वो ये खेल खेल रही है, वो इस खेल में बहुत पुरानी खिलाड़ी है। क्योंकि मैं जहां होती हूं वहां खेल भी मेरा और खिलाड़ी भी मैं। हाँ, ये अंगूठी और वो नागिन मेरे भाई के फेस में। लेकिन उस नागिन को ये देखकर इतना तो मैंने साबित कर दिया है कि मैं कितनी मासूम हूं। मैं नागिन वागिन से क्यों डरू? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो मेरे बड़ी भाई ने किया है और मेरे कसाई पति ने किया है। सो अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी है वो तो मेरे पास ही है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं अपनी जान कैसे बचानी है। तो चाहे कितने ही पर्दे क्यों ना हटा ले, लेकिन मेरे चेहरे से पर्दा तो तभी नहीं हटा पाएगी। ये राजकुमारी यामिनी सिंह कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी ना। अब मैं तुझे और संग्राम सिंह को एक ही तीर से मारूंगी। तीर एक, निशान दो। बारेक, जान दो। तुझे अपने भाई की प्रेम कहानी सुनाकर इतना तो मैं समझ गई हूं कि अब नागिन तू उसे नहीं छोड़ेगी। मेरे दो दुश्मन बिना किसी दुश्मनी के एक दूसरे की जान ले लेंगे। निशाना हो तो ऐसा हो, अफसाना हो तो ऐसा हो। भाई यामिनी सिंह, वाह, यू आर सिंपली ग्रेट। शिवन्या क्या हुआ वहां? राज सामने आया, कातिल का पता लगाया तुमने? यामिनी का असली चेहरा तो सामने आ ही गया होगा ना? बोलो शिवन्या, चुप क्यों हो? कौन है पांचवा कातिल? यामिनी जी, नहीं है, ऋतिक के असली पिता, उसका असली पिता ही वो पांचवा कातिल है। तो ये इशारा दिया था गुरु माने, ये नाम लिया था ऋतिक का रिश्तेदार, मतलब ऋतिक का असली बाप। शिवन्या, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ शेषा। इसका मतलब वही उन पांचों कातिलों में से एक है। ऋतिक के पिता ने ही तुम्हारे माँ बापा की हत्या की, उसी ने हमारे शिव मंदिर से नागमणि चुराई, वही हमारा पांचवा कातिल है, वही हमारा पांचवा इंतकाम है। शेषा,
वो ऋतिक के पिता हैं। मैं जानती थी शिवन्या कि ऋतिक तुम्हारे इंतकाम के आड़े जरूर आएगा, और देखो आ गया। तुम्हें इस बात का दर्द है कि वो ऋतिक के पिता है, लेकिन तुम्हें इस बात का दर्द नहीं कि उसी ने तुम्हारे माँ बापा की हत्या की है। नहीं नहीं, तुम्हारे पति के पिता है। इंतकाम की राह में कोई पति, कोई प्यार, कोई परिवार नहीं होता शिवन्या, सिर्फ कत्ल होता है और कातिल होता है। कातिल तुम्हारे सामने है शिवन्या, और उसे तुम्हें मारना ही होगा, इंसाफ करना ही होगा तुम्हें। किसके साथ हो तुम, अपने माँ बापा के या फिर अपने पति के? शिवन्या, क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारे माँ बापा का इंतकाम या फिर तुम्हारे पति का सम्मान? दो रिश्ते, तुम्हारे माँ बापा और तुम्हारे माँ बापा के कातिल का बेटा तुम्हारा पति। अगर तुम अपने माँ बापा का इंतकाम नहीं लोगी तो तुम्हारे माँ बापा का इंतकाम अधूरा रह जाएगा, तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा, तुम्हारे माँ बापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने ऋतिक के पिता की हत्या कर दी तो तुम्हारा पति तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो राह, लेकिन इन दो राहों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा शिवन्या। हाँ शिवन्या, तुम्हें किसी एक राह को चुनना होगा। चुनना तो तुम्हें है ही। पागल हो क्या? होली क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ मना दूंगी, रावण का पुतला जला दूंगी तुझे। बोल कहां गया था तू? इज्जत से बात करो, इज्जत से। यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरी इज्जत लेकर कहां चला गया था कल रात? कितनी बार फोन करने की कोशिश कर रही थी, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? एक तो रात भर गायब था और सुबह ऐसे घोड़े पेच कर सो रहा है जैसे तेरा बाप तेरे लिए करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है। बाप पे नहीं जाना, बाप पे नहीं जाना। वो गली नीचे कहां गया था तू? क्यों बताओ, आप बताती हो? तुझे क्या लगता है तू माली के कपड़े पहनेगा? हाँ, तू मुझे डराएगा, धमकाएगा और मैं धमक जाऊंगी? सन, अगर तू मेरा राज जानता है ना तो तेरा राज पाश करने में मुझे भी वक्त नहीं लगेगा, इसलिए मैं तेरी धमकियों से नहीं डरने वाली। बोल कहां गया था तू? डिस्को गया था। डिस्को करने क्यों, कोई प्रॉब्लम है? लाश देखी? लाश? उसकी लाश देखी? किसकी लाश? संग्राम सिंह की लाश। अरे उसको तो मार दिया ना, खाई में फेंक दिया। मारने के बाद उसकी लाश देखी या नहीं? नहीं। तो फिर तू कैसे कह सकता है कि वो मर गया? अब आपको इतनी ऊंचाई से अगर मैं नीचे फेंकूंगा खाई में, आपके तो चिथड़े उड़ जाएंगे, उसके भी चिथड़े उड़ गए होंगे। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि वो मर गया? हो सकता है वो किसी पेड़ पर अटक गया हो या नदी में बह गया हो। ये नदी, ये पेड़, ये क्या पके जा रही है? उस मरे हुए आदमी को क्यों जिंदा कर रही है? वो मरा नहीं, वो जिंदा है। जिंदा है? कैसे? आपने देखा उसे? किसी और ने देखा? कब देखा? कहां देखा? बोलिए ना, कहां देखा, कब देखा? इस बेवकूफ को ये बताना सही नहीं होगा कि शिवन्या एक नागिन है जो संग्राम सिंह के रूप में यहां आई थी, वरना ये मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। अरे बोलिए ना, अरे चुप क्यों है, बोलिए ना। वो यहां आया था। पहले आपको पूरे घर में नागिन नजर आती थी, अब आपको संग्राम सिंह नजर आने लगा। एक बात बताइए, कहीं आपने उसका भूत तो नहीं देख लिया? वो यहां आया था, उसे डरा धमका के मैंने उसे भेज दिया, कह दिया अगर वो दोबारा यहां आएगा तो हम उसके बेटे को मार देंगे। पर कैसे? महाभारत पढ़ी है ना? द्रोणाचार्य ने अर्जुन को 20 कला सिखाई थी, लेकिन गुरु अपने शिष्य को हमेशा 100 में से 99 गुण ही सिखाता है।
एक पत्ता हमेशा अपने पास रखता है। तेरा भी एक पत्ता मेरे पास है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सवेरे सवेरे ये महाभारत की कथा क्यों बांट रहे। मुझे तो सही में बताओ, 100 के 100 कौरव आपके अंदर नजर आते हैं, आपके अंदर। मोरो क्या? उस पर नजर रख, वो मरा नहीं जिंदा है, और अगर वो यहाँ आ गया ना तो नहीं बच पाएगा मालिक। जा, जाकर ढूंढ उसे। मुझे पता लगाना होगा ये लोग कौन है, नागमणि नुकू के पास क्यों थी। ये तो इच्छाधारी नागिन है। शेषा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गुरुदेव, शिवन्या को प्यार हो गया है, और यही प्यार उसके इंतकाम को कमजोर कर रहा है। उन 5 कातिलों में से सिर्फ 2 बचे हैं। शिवन्या जानती है कि वो दोनों कौन है, फिर भी उन दोनों को क्यों नहीं मार रही है वो? इसी मकसद से गई थी ना वो उस घर में, इसी मकसद से उसने की थी ऋतिक से शादी। फिर भी बार बार वो अपना इंतकाम भूल जाती है। वो एक नागिन है और ऋतिक एक इंसान। नागिन एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती। वो जानती है इस प्यार का अंजाम, फिर भी वो प्यार किए जा रही है। ऋतिक की शादी, मेरी युवराज की शादी नागिन से, इसका मतलब शिवन्या और शेषा ये दोनों इच्छाधारी नागिन की बेटियां हैं जो नागमणि की रखवाली करते थे। ये दोनों जिंदा हैं। ये कैसी अनहोनी है, मेरे बेटे युवराज की शादी इच्छाधारी नागिन से। ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी, ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.